इंदौर की विधानसभा एक में टिकट कटने से नाराज कांग्रेस नेता प्रीति गोलू अग्निहोत्री ने पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में प्रीति अग्निहोत्री ने अपने क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला और इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने निर्दलीय मोर्चा खोलकर मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इंदौर की एक नंबर विधानसभा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां टिकट मिलने के 24 घंटे के भीतर टिकट काटकर दूसरे उम्मीदवार को देने से नाराज प्रीति गोलू अग्निहोत्री ने अब खुलकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक नंबर में प्रीति ने विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया। दिनांक 11 नवंबर 2018 रविवार को जिताएंगे। आज गठबंधन जनपति के आगे हम लोग कौन बन दोनों भैया भाई है। बड़ा गणपति से शुरू होकर महिलाओं का ये मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कालानी नगर पर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रीति अग्निहोत्री ने इसे महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई बताते हुए कहा कि वे अब पार्टी के किसी भी नेता की बात नहीं मानेंगी और ना समझौता करेंगी, वे अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हम लोगों ने समस्त नारियों के सम्मान के लिए पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारा टिकट काट कर दोबारा हमारा सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए गई है, उसके विरोध के लिए हम लोग आज पैदल मार्च निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रेशर तो बहुत है हमारे ऊपर, लेकिन जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाई है, हमारी इज्जत से दोबारा खेला गया है, उसके लिए हम कोई नेता की बात नहीं सुनेंगे। जब पार्टी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम भी किसी की बात नहीं सुनेंगे और निर्दलीय चुनाव ज़रूर से ज़रूर लड़ेंगे। कुल मिलाकर प्रीति गोलू अग्निहोत्री ने निर्दलीय ऐलान करके एक नंबर में कांग्रेस के संजय शुक्ला और भाजपा के सुदर्शन गुप्ता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।